भी सोचिए कि गाड़ी लेकर कोई चला जाएगा, हैंडल खुला हुआ है, जैसे टच करेगा साइरन बजेगा। और इससे अलावे जब भी कोई गाड़ी को अगर बढ़ाना चाहेगा आपका, ये व्हील जैसे ही घूमेगा एक कदम के लिए भी ये लॉक हो गया, ये अब नहीं मिलेगा आगे। चलिए एक बार हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको किस तरह से सायरन का आवाज़ आ रहा होगा। दरअसल सायरन जो बज रहा है, ये गाड़ी एंटी थीफ लॉक लग गया है। आप लोग गाड़ी बाजार में लगाते हैं, चोरी हो जाता है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसे में इसमें जो है स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा फीचर दिया गया है कि यहाँ से आप बटन दबाए, यही वाला दबाएंगे ना, हाँ ये वाला लॉक वाला बटन दबाएंगे और देखिए गाड़ी में ये देखिए ये हमारा लॉक लग गया। उसके अलावा जो व्हील है, ये व्हील जो है ना ये जाम हो जाता है, मतलब ये घूमेगा ही नहीं। हाँ देखिए ये आपको व्हील दिखाई दे रहा, पूरा एकदम ग्रिप लग गया, पूरा जाम हो गया, तो ऐसे में आपका गाड़ी चोरी नहीं होगा। आगे सर क्या दिखाएंगे, आगे और भी हम बहुत सारा चीज आपको दिखाएंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। स्टार्ट है जी, कीलेस स्टार्ट मीन्स हुआ कि आपके की पॉकेट में ही है, रिमोट से आप स्टार्ट कर लिए गाड़ी, मतलब रिमोट दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट होगा, गाड़ी स्टार्ट होगा। देखिए ये स्टार्टिंग हुआ, अच्छा ऐसे में ये बिहार का पहला ऐसा बाइक अपने पूर्णिया में आया, चाबी नहीं लगा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि बिना चाबी यहाँ पर की लगा हुआ नहीं है, की उधर हाथ में है, और रिमोट बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गया। और ये बिहार के पूर्णिया जिला में पहला रिमोट ये बाइक आया हुआ है, रिमोट से ही बंद भी कर सकते हैं इसको, ये बंद कर दिया। अच्छा तो ये स्क्रीन पर और क्या क्या है एक बार दिखाइए, स्क्रीन पर भी दिखाते हैं सारा चीज आपको। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए, बिहार के पूर्णिया के लोगों के लिए ज्यादा खुशी की बात है कि ये सुविधा ऐसा बाइक आपको मिल रहा है और आपके बगल में पूर्णिया के नाजिर मोटर्स में मिल रहा है। ये देखिए स्क्रीन ऑन हो गया, और सर बताइए क्या क्या है इसमें। इसमें आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ से करें अपना जो भी है कनेक्शन। हाँ, ये हमारा वाईफाई हो गया, हाँ। इधर ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ से और मोबाइल से भी कनेक्ट करके कॉल वगैरह भी उठा सकते हैं, अच्छा। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी है इसमें, अच्छा यूट्यूब वगैरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं, अच्छा जैसे ये म्यूजिक वगैरह, ये हमारा गाना बज रहा है, ये गाना चालू हो जाएगा इसमें, अच्छा यहाँ से सर ये कट हो गया, यहाँ से फिर बैक आ जाएगा, ये बैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा डिजिटल आपको दिख रहा है, जिस तरह से आप फोर व्हीलर में चार चक्का में जो होता है चार पहिया वाहन में आप जिस तरह से देख रहे हैं, स्मार्ट क्या बोलते हैं स्क्रीन हो गया, स्मार्ट स्क्रीन हुआ आपको बाइक में दिख रहा है, जहाँ पर वाइफ है, ब्लूटूथ कॉलिंग, उसके बाद आप देखिए इधर किलोमीटर बता रहा है, इधर भी म्यूजिक सिस्टम दिखा रहा है, इधर इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड दिखा रहा है, इधर देखिए सेटिंग खुल गया, सेटिंग में आप देखिए कि आपको ऐसा फील होगा कि हम स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। देखिए ये सारा कुछ आपको सेटिंग दिया हुआ है, सब सिस्टम है इसमें, आपको गाना सुनने का, आप इस स्क्रीन पर फिल्म लगा के आसानी से फिल्म देख सकते हैं, फिल्म चलेगा आराम से आप देखिए। इसके अलावा आपको बता दें इसमें आपको क्या कहता है, मैप भी दिया है, मैप ऑन करिएगा तो मैप कहाँ से, ये देखिए ये मैप दिया है, और ये मैप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया जो लोग फ्लिपकार्ट कंपनी में, अमेजोन कंपनी में काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, उन लोगों को पता है कि कितना कष्ट होता है फ़ोन हाथ में लेके मैप को देखना। ऐसे में उन लोगों के लिए जो डिलीवरी बॉय है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जोमेटो में काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित होगा कि आपका लोकेशन आपको सामने दिखेगा, फोन हाथ में रखने की परेशानी वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि किलो, अच्छा ये सर ये बताइए इको नॉर्मल स्पोर्ट क्या है, उसके बारे में बताते हैं। ये ड्राइविंग का मोड हुआ जी, जैसे आप इको स्पीड में चल रहे हैं तो आपको यहाँ इको दिखाएगा, यहाँ हमारा गियर सिस्टम है ये, अच्छा मतलब एक्सीलेटर में है सर, एक्सीलेटर का संचालन कर दिया, एक्सीलेटर है क्लच का सिस्टम है, क्लच तो है ही नहीं इसमें, इसमें क्लच ब्रेक ही है, अच्छा आपको ये गियर सिस्टम एक तरह से हो गया, अच्छा गियर में हमारे पास है इकोनॉमी है, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड, अच्छा रिवर्स मोड, अच्छा पार्किंग मोड, अच्छा अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी खड़ा हुआ है आप पार्किंग मोड में लगा दीजिए, कोई भी अगर गलती से आपका एक्सीलेटर अच्छा दबा देगा तो गाड़ी नहीं पड़ेगी, अच्छा तो मतलब इसमें गियर पैर वाला जो होता है, पैर वाला सिस्टम साफ साफ समझिए कि जो पैर वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया है और सब कुछ हाथ में है। और ये देखिए यहाँ पर मोड दिया हुआ, एस मोड, डे मोड, पी एल आर, सब अलग अलग मोड है। ये एस का मोड क्या हुआ बताइए सर, ये जैसे एल में होगी आपको इकोनॉमी मोड में, इकोनॉमी मोड में अभी जैसे हम लोग 83% बैटरी चार्ज, नहीं तो ये 140 पूरा देखा था, अच्छा 100% का चार्ज था, 140 देखा था इकोनॉमी मोड में। अगर आप उसको नॉर्मल मोड पे चला रहे हैं गाड़ी, अच्छा तो थोड़ा से माइलेज कम हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा उसमें आपके पास, अच्छा से ये स्पीड बढ़ेगा नॉर्मल मोड, अच्छा ये देखिए हम आपको लाइव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 83 आ गया नॉर्मल मोड पे, 83 किलोमीटर दिखा रहा है। ये भी ध्यान दीजिए कि अभी हम लोगों का बैटरी सिर्फ 83% है, चार्ज कम है, चार्ज कम है, अच्छा 100% रहता है तो 100% का, अच्छा। और उसके बाद अगर हम लोग इसको स्पोर्ट मोड में लेके चलते हैं, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, देखिए स्पोर्ट मोड में चला गया, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, हाँ ये आ जाएगा अभी स्पोर्ट मोड में, अच्छा ये देखते हैं स्पीड इसका धीरे धीरे जो किलोमीटर, देखिए स्पोर्ट मोड में आ गया, मोड में आ गया और किलोमीटर बढ़ गया, किलोमीटर घट गया, यहाँ घट गया, स्पीड बढ़ गया इस तरह से जी। तो ये तीनों अलग अलग मोड है, ये तीनों मोड हो गया आपको। इसके अलावा सर इसमें दोस्तों इस वक्त हम लोग बिहार के पूर्णिया जिला में है और पूर्णिया जिला के एक हम नाजिर मोटर शोरूम में है, आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा नाजिर मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है। और यहाँ पर एक धमाकेदार अभी ऑफर चल रहा है क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दुर्गा पूजा है और आठवीं आठ पूजा आज हुआ है
और परसों दसवा पूजा होगा और परसों समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर ऑफर चल रहा है गाड़ियों पे, सभी गाड़ियों पे ऑफर चल रहा है और हम लोग शोरूम के अंदर जाएंगे और आपको क्या कुछ यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है वो भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो को जो आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो इसी नाजिर मोटर्स में बनाया था, जो पूर्णिया के एक बड़े शहर की बात करें, शहर में स्थित है नाजिर मोटर्स, और इसका हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। और जिस गाड़ी का हमने रिव्यू किया था उस गाड़ी को लेकर दोबारा रिक्वायर हुआ कि भैया आप लोग दोबारा जाइए, एक बार फिर से उस वीडियो को बनाइए और उस गाड़ी को आप लोग दोबारा दिखाइए क्या कुछ फीचर है। तो हम लोग ऐसे में आए हैं इस शोरूम में और एक बार हम दिखाएँगे। ये देखिए कि नाजिर मोटर्स है और ये ओडिसेस ईवी का शोरूम है, स्क्रीन पर आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा ओडिसेस ईवी नाजिर मोटर्स। तो हम लोग इसके अंदर चलेंगे। पहले आप देखिए कि कई सारी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी है वो लगा हुआ है, सब यहां पर चार्ज हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है और हम लोग अंदर चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे। हम लोग अभी देखिए अंदर आ गए हैं और आप देखिए कि लाइन से एक तरफ से ये जो ऑडिस कंपनी की जो बाइक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाइक है। इधर भी आपको स्कूटी टाइप का, ये देखिए एक लाइन से तकरीबन 10 से 15 20 गाड़ियां आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दें ये जितनी सारी गाड़ियां हैं सब चार्जेबल है, आप इसको चार्ज कराइए आराम से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलिए। तो हम बारीकी से एक एक गाड़ी के बारे में रिव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था एक गाड़ी जिसका कीमत हमने आपको बताया था कि मात्र 64,000 का गाड़ी है और 100 किलोमीटर आप चल सकते हैं, तो आप लोग को वो भी गाड़ी हम दिखाएंगे, दोबारा उसका फीचर भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो जिस वीडियो को आप सब ने पसंद किया था, तकरीबन 10 लाख लोगों ने देखा जिस गाड़ी को और जिसका रिक्वायर हुआ कि दोबारा दिखाइए, वो हम आपको बता दें कि यही वो चमचमाता हुआ गाड़ी है जिनको हमने दिखाया था। और इस गाड़ी को पूरे बिहार की बात करें तो 10 लाख लोगों ने इस गाड़ी को पसंद किया है, जो चार्जिंग होता है और चार्ज होने के बाद चलता है। हम लोग सीधे यहाँ के सर से जुड़ेंगे और इस गाड़ी के बारे में दोबारा जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, आपको नजीर मोटर्स में स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये गाड़ी को पूरे बिहार में 10 लाख लोगों ने सर पसंद किया है, ये हमारा स्वभाव है जी। तो पहले आप दर्शकों को क्या कहेंगे, इतना लोगों ने पसंद किया है? वीडियो देखिए और भी ज्यादा जानकारी चाहिए आप हमारे शोरूम में आए, या आपके करीब में जो भी हमारा शोरूम है वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर जैसे पूर्णिया से बाहर है आप तो वहाँ के भी करीब में शोरूम में जा सकते हैं, ओडीसी के शोरूम में। अच्छा, और वहाँ भी आपको इसी तरह का सारा चीज सुविधा मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधा हम चलेंगे गाड़ी पर और एक बार दोबारा हम बताएंगे कि यही गाड़ी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एज इट इज दिख रहा होगा जो गाड़ी हम दिखाए थे। और इस गाड़ी को पूरे बिहार के लोगों ने भैया पसंद किया है, एक बार फिर बता रहे हैं पूरे बिहार के लोगों ने पसंद किया है और सब ने अपना अच्छा फीडबैक दिया कि भाई कम से कम चार्ज करके 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो चला पाएंगे, पेट्रोल तो बच जाएगा और ये वही गाड़ी है। सर एक बार दोबारा रिक्वायर है कि हम इसका फीचर को दिखाएं तो क्या क्या दिखाएंगे? आ जाइए इधर से, आप 140 किलोमीटर चल सकते हैं। दिखाइए सर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2.5 यूनिट उठाता है ये का, एक फुल चार्जिंग में 2.5 यूनिट में आपको 7×14 17 रुपया, इस तरह से 20 रुपया के 25 रुपया में आप 140 किलोमीटर चल सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला चीज तो हम लोग अपने गाड़ी में एंटी थेफ्ट लॉक दे रहे हैं। आइए जी, एंटी थेफ्ट लॉक में क्या होता है कि अगर आपने कभी रिमोट यानी हैंडल खुला भी छोड़ दिए जी, दिखाइए, तो आप अपने रिमोट से उसको व्हील लॉक कर दीजिए। ये व्हील लॉक कर दिए ये इस तरह से, और ये नहीं सोचिए कि गाड़ी लेके कोई चला जाएगा हैंडल खुला हुआ है, जैसे टच करेगा साइरन बजेगा। और भी इससे अलावे जब भी कोई गाड़ी को अगर बढ़ाना चाहेगा आपका, ये व्हील जैसे ही घूमेगा एक कदम के लिए भी ये लॉक हो गया, ये अब नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको किस तरह से सायरन का आवाज आ रहा होगा। दरअसल सायरन जो बज रहा है, ये गाड़ी एंटी थीप लॉक लग गया है। आप लोग गाड़ी बाजार में लगाते हैं, चोरी हो जाता है, आप पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसे में इसमें जो है स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा फीचर दिया गया है कि यहाँ से आप बटन दबाइए, यही वाला दबाएंगे ना, हाँ ये वाला लॉक वाला बटन दबाएंगे और देखिए गाड़ी में ये देखिए ये हमारा लॉक लग गया। उसके अलावा जो व्हील है, ये व्हील जो है ना ये जाम हो जाता है, मतलब ये घूमेगा ही नहीं। हाँ देखिए ये आपको व्हील दिखाई दे रहा, पूरा एकदम ग्रिप लग गया, पूरा जाम हो गया। तो ऐसे में आपका गाड़ी चोरी नहीं होगा। आगे सर क्या दिखाएंगे? आगे और भी हम बहुत सारा चीज आपको दिखाएंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। स्टार्ट है जी, कीलेस स्टार्ट मीन्स हुआ कि आपके पॉकेट में ही है, रिमोट से आप स्टार्ट कर लिए गाड़ी, मतलब रिमोट दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट होगा। देखिये ये स्टार्टिंग हुआ। अच्छा, ऐसे में ये बिहार का पहला ऐसा बाइक अपने पूर्णिया में आया, चाबी नहीं लगा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि बिना चाबी, यहाँ पर की लगा हुआ नहीं है, की उधर हाथ में है और रिमोट बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गया। और ये बिहार के पूर्णिया जिला में पहला रिमोट से बाइक आया हुआ है, रिमोट से ही बंद भी कर सकते हैं जी।
एक बंद कर दिए। अच्छा तो ये स्क्रीन पर और क्या क्या है एक बार दिखाइए, स्क्रीन पर भी दिखाते हैं सारा चीज आपको। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए, बिहार के पूर्णिया के लोगों के लिए ज्यादा खुशी की बात है कि ये सुविधा ऐसा बाइक आपको मिल रहा है और आपके बगल में पूर्णिया के नाजिर मोटर्स में मिल रहा है। ये देखिए स्क्रीन ऑन हो गया और सर बताइए क्या क्या है इसमें। इसमें आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ से करें अपना जो भी है कनेक्शन। ये हमारा वाईफाई हो गया। हाँ, इधर ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ से और मोबाइल से भी कनेक्ट करके कॉल वगैरह भी उठा सकते हैं। अच्छा, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी है इसमें, आप यूट्यूब वगैरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ये म्यूजिक वगैरह, ये हमारा गाना बज रहा है, ये गाना चालू हो जाएगा इसमें। अच्छा, यहाँ से सर ये कट हो गया, यहाँ से फिर बैक आ, ये बैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि पूरा डिजिटल आपको दिख रहा है, जिस तरह से आप फोर व्हीलर में चार चक्का में जो होता है चार पहिया वाहन में आप जिस तरह से देख रहे हैं स्मार्ट क्या बोलते हैं स्क्रीन हो गया, स्मार्ट स्क्रीन वो आपको बाइक में दिख रहा है, जहाँ पर वाइप है, ब्लूटूथ कॉलिंग, उसके बाद आप देखिए इधर किलोमीटर बता रहा है, इधर भी म्यूजिक सिस्टम दिखा रहा है, इधर इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड दिखा रहा है, इधर देखिए सेटिंग खुल गया। सेटिंग में आप देखिए कि आपको ऐसा फील होगा कि हम स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। देखिए ये सारा कुछ आपको सेटिंग दिया हुआ है, सब सिस्टम है इसमें, आपको गाना सुनने का, आप इस स्क्रीन पर फिल्म लगा के आसानी से फिल्म देख सकते हैं, फिल्म चलेगा आराम से आप देखिए। इसके अलावा आपको बता दें इसमें आपको क्या कहता है मैप भी दिया है, मैप ऑन करिएगा तो मैप कहाँ से, ये देखिए ये मैप दिया है, और ये मैप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया जो लोग फ्लिपकार्ट कंपनी में अमेजोन कंपनी में काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, उन लोगों को पता है कि कितना कष्ट होता है फ़ोन हाथ में लेके मैप को देखना। ऐसे में उन लोगों के लिए जो डिलीवरी बॉय है फ्लिपकार्ट अमेजोन जोमेटो में काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित होगा कि आपका लोकेशन आपको सामने दिखेगा, फ़ोन हाथ में रखने की परेशानी वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि किलो, अच्छा ये सर ये चीज बताइए इको नॉर्मल स्पोर्ट क्या है, उसके बारे में बताते हैं। ये ड्राइविंग का मोड हुआ जी, जैसे आप इको स्पीड में चल रहे हैं तो आपको यहाँ इको दिखाएगा, यहाँ हमारा गियर सिस्टम है ये। अच्छा मतलब एक्सीलेटर में है, सर एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर है, क्लच का सिस्टम है, क्लच तो है ही नहीं इसमें, इसमें क्लच ब्रेक की है। अच्छा आपको ये गियर सिस्टम एक तरह से हो गया। अच्छा गियर में हमारे पास है इकोनॉमी है, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड, अच्छा रिवर्स मोड, अच्छा पार्किंग मोड। अच्छा अगर आपके गाड़ी कहीं पर भी खड़ा हुआ है आप पार्किंग मोड में लगा दीजिए, कोई भी अगर गलती से आपका एक्सीलेटर अच्छा दबा देगा तो गाड़ी नहीं पड़ेगी। अच्छा तो मतलब इसमें गियर पैर वाला जो होता है, पैर वाला सिस्टम साफ साफ समझिए कि जो पैर वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया है और सब कुछ हाथ में है। और ये देखिए यहाँ पर मोड दिया हुआ है, एस मोड, डे मोड, पी, एल, आर, सब अलग अलग मोड है। ये एस का मोड क्या हुआ बताइए सर, ये जैसे एल में हो गया आपको इकोनॉमी मोड में, इकोनॉमी मोड में अभी जैसे हम लोग 83% बैटरी चार्ज है, नहीं तो ये 140 पूरा देखा था। अच्छा 100% का चार्ज है, 140 देखा था इकोनॉमी मोड में। अगर आप उसको नॉर्मल मोड में चला रहे हैं गाड़ी, अच्छा तो थोड़ा से माइलेज कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा उसमें आपके पास। अच्छा ये स्पीड बढ़ेगा नॉर्मल मोड। अच्छा ये देखिए हम आपको लाइव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 83 आ गया नॉर्मल मोड पे, 83 किलोमीटर दिखा रहा है। ये भी ध्यान दीजिए कि अभी हम लोगों का बैटरी सिर्फ 83% है, चार्ज कम है, चार्ज कम है। अच्छा 100% रहता तो 100% का। अच्छा और उसके बाद अगर हम लोग इसको स्पोर्ट मोड में लेके चलते हैं, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, देखिए स्पोर्ट मोड में चला गया, कर दिए गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। हाँ ये आ जाएगा अभी स्पोर्ट मोड में। अच्छा ये देखते हैं स्पीड इसका धीरे धीरे, जो किलोमीटर देखिए स्पोर्ट मोड में आ गया, मोड में आ गया और किलोमीटर बढ़ गया, किलोमीटर घट गया, यहाँ घट गया, स्पीड बढ़ गया इस तरह से जी। तो ये तीनों अलग अलग मोड है, ये तीनों मोड हो गया आपको। इसके अलावा सर इसमें और क्या है, पार्किंग के लिए तो ये कर दिए, और रिवर्स मोड भी है कि गाड़ी मतलब बैक भी लेगा, बैक भी लेगा, गाड़ी को बैक कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं। अच्छा जिसे रिवर्स मोड में भी चलेगा। अच्छा तो ये हमारा देखिए रिवर्स मोड यहाँ पर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं व्हील को देखिए, ये गाड़ी रिवर्स मोड में चल रहा है, आपका गाड़ी इजीली बैक भी होगा और सारा कंट्रोल हाथ में है। ठीक है अब बैक हो रहा है, बैक चल रहा होगा जी, ये हमारा बैक हो गया। यहाँ डिस्प्ले में आर शो कर दिया, यहाँ जी रिवर्स हो गया, ये डिस्प्ले में आर शो कर रहा है, ये रिवर्स में गाड़ी चल रहा है। मतलब यूँ समझिए भैया कार वाला फीचर आपको बाइक में मिल रहा है सारा, बस यही है कि इसमें पांच लोग नहीं बैठ पाएंगे, दो लोग ही बैठ पाएंगे, लेकिन फीचर आपको सेम मिलेगा। रिवर्स का देखिए डिजिटल स्क्रीन की बात करिए और क्या है इसमें सर, उसमें और बैटरी लिथियम बैटरी रहेगी, 3 साल की उसमें वारंटी है, 3 साल की वारंटी रहती है, और उसमें एक्सटेंडेड पॉलिसी भी है कंपनी की। अच्छा जो 2 साल का आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 5 साल के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अच्छा कुछ एक्सटेंडेड यानी चार्जेस लगता है उसका, अच्छा तो 5 से 6 हजार का चार्जेस लेगा। आप उसमें 2 साल के लिए और अगले 2 साल के लिए टेंशन फ्री रहिए बैटरी का। चलिए 5 साल के लिए बैटरी हम समझेंगे आप, तो ये हम आपको दिखा रहे थे और ओडिसी ना बोलेंगे सर, ओडिसी कंपनी का और वेडर, ये वेडर मॉडल। हाँ ओडिसी कंपनी का वेडर मॉडल दिखा रहे थे, जो आप लोग का रिक्वायरमेंट था भैया दोबारा दिखाइए, तो हमने आपको दोबारा दिखाया। उसके अलावा इसकी प्राइस की बात करें तो देखिए
कि यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ 184,000 ऑन रोड, ऑन रोड 184,000 ऑन रोड इसका प्राइस है। और उसके अलावा टैक्स ऑन रोड तो मतलब सब कुछ हो गया, इंक्लूड हो गया, तो इसमें कुछ कम उस भी होगा आने के बाद, आने के बाद कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये फाइनेंस में भी मिल जाएगा, फाइनेंस के लिए कुछ पता है परसेंटेज कितना जमा होगा? फाइनेंस में तो 30% का डाउन पेमेंट बोलता है। तो चलिए ये प्राइस हम दिखा रहे थे, 184,000 प्राइस पड़ता है और 30% के आसपास आपको एडवांस आपको जमा करना होगा फाइनेंस कराने के लिए, बाकी आपका फाइनेंस हो जाएगा और इजिली इस गाड़ी को आप चला सकते हैं। चलिए आगे हम दिखाएंगे बाकी इस गाड़ी में, आपको हमने दोबारा दिखाया और क्या कुछ आप राय रखते हैं इस गाड़ी के बारे में, खास करके पूर्णिया के लोगों के लिए कितना सुविधा होगा वो आप लोग कमेंट बताइएगा। आगे हम एक आपको स्कूटर दिखाएंगे, इधर और भी गाड़ियां हैं लेकिन जो आप लोगों का डिमांड आया था उस डिमांड के आधार पर हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा आ जाइए सर, इधर भी आ जाइए, ये देखिए ये आपको दिखा रहे हैं नाजिर मोटर्स में रेसर 64,000 का। देखिए पहले हम आपको प्राइस ही दिखा देते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि 64,000 में कहीं गाड़ी आता है, नहीं आता है, तो हम आपको बता दे भैया कि 64,000 में ही आता है और इतना में ही आपको मिलेगा, इससे कम भी हो जाएगा लेकिन 64,000 ही है, ज्यादा नहीं है। इसमें सर क्या क्या है? इसमें है आपको ग्रेफाइन बैटरी है, ग्रेफाइन बैटरी है, एक साल का वारंटी रहेगा। अच्छा, इस मॉडल पर। अच्छा, ग्रेफाइन बैटरी में और भी गाड़ी है जिस मॉडल पर, उसमें 1.5 साल का रहेगा। अच्छा, और स्पीड वगैरह इसमें 40 से 45 मिलेगा। अच्छा, लो स्पीड का ही रहता है गाड़ी। अच्छा, ऐसे 25 ही रहेगा इसमें। अच्छा, और 1 साल का वारंटी रहा। अच्छा, इसमें ना तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना लाइसेंस की जरूरत। भैया एक खास बात है, पिछले वाले वीडियो में नहीं बताए थे, ये बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी आप चला सकते हैं, लाइसेंस का झंझट खत्म, गवर्नमेंट की तरफ से ये नंबर प्लेट ही बनता है, ले जाइए और चलाइए, लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन। देखिए इस गाड़ी में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ऑडिस ईवी राइट द फ्यूचर, और इधर देखिए नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन, मतलब दोनों की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी निकालिए एकदम जिस तरह से आप टोटो को दौड़ाते हैं गाड़ी रोड पर, वैसे भी इस गाड़ी को आराम से चलाइए, झंझट ही खत्म कर दिया है, इसीलिए शायद प्राइस भी इसका कम है क्योंकि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, प्राइस सिर्फ थोड़ा सा बैटरी के लेकर के है, आपको इसी में अगर लिथियम बैटरी लग जाता तो इसका प्राइस फिर हाई हो जाता है। एक रिफाइंड बैटरी है, एक साल के लिए कितना देर चार्ज होगा ये आपको? 3 घंटा से 3 घंटा चलेगा। कितना? 75 किलोमीटर चलेगा, 75 किलोमीटर चलेगा वो 3 घंटा में। चार्जिंग में आपको 1.5 से 2 यूनिट उठाएगा बिजली। अच्छा, 2 यूनिट में आप 75 किलोमीटर चलिए। अच्छा, यानी 14 रुपया में आप 15 रुपया भी हम लोग बोलते हैं लेकिन 15 भी नहीं, 7 × 14 रुपया ही, 14 रुपया में आप 75 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि 14 से 15 रुपए में आप 75 किलोमीटर गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। ऐसे में सोच सकते हैं कि आपके पैकेट पर कितना प्रभाव डालेगा, कितना आपका बचत होगा, वो सब आपके सामने है। और आइए इधर भी गाड़ी दिखाएंगे आपको, कुछ स्पोर्ट बाइक वगैरह है और सब की बात करें तो वो सब के सब चार्जिंग सिस्टम वाला है। पहले हम प्राइस ही दिखा देते हैं, प्राइस को लेकर लोगों का दिक्कत हो रहा था। देखिए ये भी है 1,96,000 का है, नाजिर मोटर्स है, ऑडिस कंपनी का है और मॉडल लिखा हुआ, और ये स्पोर्ट बाइक है। फीचर की बात करें तो फीचर की बात में इसमें आपको एक फुल चार्जिंग पर 140 किलोमीटर चलेगा। फुल चार्ज किया तो 140 किलोमीटर, फुल चार्जिंग पर 140 किलोमीटर रहेगा। 85 जितना गाड़ी है रिवर्स गियर आपको सिर्फ एक मॉडल में नहीं है, हॉक प्लस में, बाकी सभी गाड़ी में है। इसमें भी रिवर्स है, रिवर्स इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी रिवर्स गियर है, देख लीजिए। तो सेम देखिए जो फीचर वैसे उधर दिख रहे थे सारा चीज है, इसमें डीपीआर है। अच्छा, बस इसमें आपको ये डिजिटल मतलब जो है वो चीज नहीं, गाना वाना सुनने का सिस्टम इसमें के लिए नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो ये लड़कों के लिए स्पेशली है। हाँ हाँ हाँ, लड़कों नहीं, जो भी अपने शौकिया लोग हैं सड़कों पे ज्यादा एकदम चलते हैं दिखाते हैं, भाई स्पोर्ट बाइक है तो अभी स्पोर्ट्स बाइक जो दूसरा लेके चलेंगे अगर पेट्रोल वाला, तो 140 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पेट्रोल लगेगा, 300 से 400 रुपया। बिल्कुल, आप 25 रुपया में आराम से 140 किलोमीटर। देखिए ये इलेक्ट्रिक बाइक है भैया, 25 रुपए खर्चा करिए, उधर 14 रुपए में 75 किलोमीटर, इधर 25 रुपए में 100 पार कर जाइए, 140 किलोमीटर। तो ये हम आपको दिखा रहे थे नाजिर मोटर्स में, एक्सप्लोर करा रहे थे, बाकी हम एक बार शोरूम हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्रांड है, इसी टाइप का ये ब्रांड है, ऑडिस कंपनी, इसका जो आपको लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा और बाकी जो यहाँ का एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ के जो ऑनर है जो भी है उनका भी नंबर, आपको इस शोरूम का नंबर वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो सीधा जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से, पेज के माध्यम से भी जुड़ के आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को पूर्णिया से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो में जो हमने दिखाया था उनके बाद आपको ये दूसरा दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट हो रहा है, क्या कुछ कमी रहता है, वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।